सैफ अली खान की फिल्म गो गोवा गोन शायद आपने देखी होगी। इस फिल्म में इंसान जॉम्बीज बन जाते हैं, और सिर्फ यही फिल्म नहीं, कई और भी सारी फिल्में बनी हैं जिसमें इंसान जॉम्बीज बन जाता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक समस्या है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही बीमारी किसी जानवर में आ जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? ऐसी ही एक बीमारी उत्तरी अमेरिका में इस समय अपना पांव पसार रही है। इस बीमारी का नाम है क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, जिसे शॉर्ट में CWD कहते हैं। यह खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो उत्तरी अमेरिका के जंगलों में हिरणों में देखने को मिल रही है। इसमें सफेद पूंछ वाले हिरण, खच्चर हिरण, एल्क और मूस भी शामिल हैं। इस बीमारी का पता 1967 में सबसे पहले लगा था, और उसके बाद ये ज्योग्राफिकली फैल गया है, लेकिन अब ये जॉम्बीज डिसीज के नाम से जाना जा रहा है, जिसने सभी लोगों को इस समय हैरान कर दिया है। ये बीमारी अब तेजी से हिरणों में फैल रही है। इस बीमारी में न्यूरोलॉजिकल समस्या होती है। इसमें हिरण नशे में दिखता है, आलसी बना रहता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, खाली किसी भी जगह पर अपनी निगाहें अगर टिक गई तो उसे देखता रहता है। बताया जा रहा है कि सिर्फ व्यूइंग में ही 800 से ज़्यादा हिरण के, अल्क के और मूस में ये केसेस दिखाई दे रहे हैं। CWD यानी जॉम्बीज डियर डिजीज फैलने का पूरा आरोप प्राइंस पर लगा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल साइंटिस्ट इसे ही बीमारी के फैलने की बड़ी वजह बता रहे हैं। प्रियांस असल में नॉर्मल प्रोटीन नहीं होते, जो प्रोटीन होता है वो उसका एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जो दिमाग में मौजूद नॉर्मल प्रोटीन को भी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में बदलने पर मजबूर कर देते हैं। इसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन होता है, यानी दिमाग का विकास उस समय रुक जाता है और दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। चीज़ें समझने की जो दिमाग की क्षमता होती है वो भी कम होने लगती है। प्रियॉन्स की वजह से होने वाली बीमारियों के साथ दिक्कत ये है कि ये सर्दियों तक एनवायरमेंट में रह सकती है और मौका देखकर फैलना शुरू कर देती है। इस बीमारी के साथ एक दिक्कत यह भी है कि इन्हें फॉर्मल्डिहाइड, रेडिएशन या बेहद अधिक या कम टेम्परेचर भी ख़त्म नहीं कर पाया है। CWD के फैलने का सबसे बड़ा खतरा इंसानों और एनवायरमेंट दोनों को ही है। फिलहाल इसका सीधा सबूत कोई नहीं मिला कि ये बीमारी इंसानों को सीधे तौर पर संक्रमित कर सकती है या नहीं। प्रियॉन्स की वजह से एक बीमारी और होती है जिसे क्रूट्सफेल्ड जैकॉब डिसीज यानी CJD कहते हैं। ये इंसानों को होती है। इसे गायों में मैड काउ डिजीज के नाम से जाना जाता है। 1995 में ये बीमारी ब्रिटेन में फैली थी, जिसकी वजह से लाखों मवेशियों को मारना पड़ा था। इस बीमारी से 178 इंसानों की जान भी गई थी, लेकिन कुछ वजहें हो सकती हैं जिसकी वजह से इंसान CWD बीमारी का शिकार हो सकता है। पहली वजह, लैब्स में ये देखा गया है कि प्रियॉन्स इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, और दूसरी वजह, इंसान संक्रमित जानवर का शिकार करके अगर उसे खाता है तो बीमार होने की आशंका है। और सबसे ज़्यादा विस्कॉन्सिन में ये मामले देखे गए हैं। इस वजह से हिरणों का मांस खाने पर वहाँ रोक भी लगा दी गई है। साल 2017 में इंसानों ने 7,000 से 15,000 CWD संक्रमित जीवों को खाया है। जंगल में शिकार करके इस तरह के जीवों को खाने का लालच हर साल 20% की दर से बढ़ रहा है। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी देखते रहें TV9 भारतवर्ष। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।